बरेली के फरीदपुर में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, जिससे माहौल गर्मा गया। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने धर्म स्थल पर पथराव करके दहशत फैलाने की भी कोशिश की है। पुलिस ने 6 खुराफातियों को गिरफ्तार करके 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मंगलवार देर शाम फरीदपुर के नौगुमा गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण मंदिर पर आरती कर रहे थे। इसी बीच वहां दूसरे समुदाय के कई लोग आ गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पथराव शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए लोग धर्म स्थल के भीतर चले गए। पथराव के दौरान 4-5 ग्रामीणों के घायल होने की खबर भी मिली है। बवाल और हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस देखकर खुराफाती वहां से भाग गए। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खुराफातियों पर कार्रवाई को लेकर हंगामा करते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव में गांव के कल्लू, भूपराम, लालाराम और उनकी भतीजी मिथिलेश घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर पथराव कर रहे उपद्रवियों में भगदड़ मच गई। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर पीड़ितों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने गांव के ही फारूक, बाबू, भूरा, सद्दाम, मुबारक, आरिफ, नाजिम, इकबाल, अहमद जान, तहसीन, आसिफ, पप्पू, दिलशाद, छोटे व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बता दें कि फरीदपुर का नौगवा मिश्रित आबादी का गाँव है। यहाँ कई बार धार्मिक विवाद हो चुका है। बीते दिनों एक पक्ष ने दूसरे समुदाय के धर्म स्थल पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाउड स्पीकर बंद करा दिया था। इसी बात को लेकर दूसरे समुदाय के लोग गांव वालों से खफा चल रहे थे। कुछ दिन पहले रास्ते पर बैरियर लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। फरीदपुर सीओ ने बताया कि गाँव में दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, गाली गलौज और मारपीट हुई। धर्म स्थल पर पथराव की पुष्टि नहीं हुई है। एक पक्ष ने 14 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।